बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। ओके, ओपन योर पेज नंबर 30। पेज नंबर 30, एक्टिविटी नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। कि स्टोरी में से हम लोगों ने वर्ड्स जो है वो फाइंड आउट करने और इनको जो ब्लैंक्स दी गई है इनको फिल करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, एंड द फर्स्ट वन इज अनांसी वाज अ ट्रिक्स्टर एंड ही वाज हैविंग अ डैश टाइम। कि अनांसी एक चक्करबाज था और हैविंग डैश टाइम, और गुजर रहा था एक वक्त से, कौन से कैसे वक्त से गुजर रहा था, डिफिकल्ट मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे वगैरह मौजूद नहीं थे, तो इसमें डिफिकल्ट आएगा। नेक्स्ट, अनांसी डैश थ्रू अ गैप इन द विथ फेंस। कि अनांसी एक गैप यानी सुराख से जादूगरनी के घर में देख रहा था, पीक्ड झांकना, पी डबल ई के ई डी, पीक्ड। नेक्स्ट वन इज ही इमेजिन व्हाट डैश फूड्स ही वुड फाइंड डिलीशियस। यानी अनांसी ने इमेजिन किया कि अगर वो ये मंत्र पढ़ेगा तो कैसी मजेदार उसको जो है वो खाने खाने के लिए मिलेंगे, तो डिलीशियस, डी ई एल आई सी आई ओ यू एस, डिलीशियस। नेक्स्ट वन इज अ डैश साउंड पुल्ड अनांसी फ्रॉम हिज डे ड्रीम। कि एक ऐसा साउंड, एक ऐसी आवाज ने अनांसी को उसके दिन में देखते हुए ख्वाब से जगाया। कैसी आवाज? स्क्रिंग, तेज आवाज, एस सी यू डबल आर वाई आई एन जी, स्क्रिंग। नेक्स्ट, शी वॉक टू द डैश माउंट एंड स्टूड ऑन इट। के नियरेस्ट, इसमें क्या नियरेस्ट के वो करीबी, शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट के वो करीबी टीले पर गया एंड स्टूड ऑन इट, और उस पर खड़ा हो गया। एंड द लास्ट वन इज, ओके, एंड द लास्ट वन इज अनांसी ग्रिंड एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ। के अनांसी जो बहुत ज्यादा खुश हुआ और अपने जो दांत, तेज धार दांत थे वो दिखाए। नेक्स्ट पेज नंबर 31 पे आइए। क्वेश्चन है, सी इफ यू कैन फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रैम्बल दीज फोर वर्ड्स टू यूज इन द स्पेसेस। कि जो चार दिए गए हैं हम लोगों को सेंटेंसेस, जो ये वर्ड्स हैं इनको रीअरेंज करके हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट वन इज सी ओ टी ओ आर डी लिखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, पर्सन हु ट्रीट्स पीपल हु आर सिक। तो जो बंदे, एक बंदा जो ट्रीट करता है या इलाज करता है मरीजों का, वो क्या होते हैं, डॉक्टर्स, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर। नेक्स्ट है पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल इन हॉस्पिटल इज अ, कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स की देखभाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नर्स, एन यू आर एस ई, नर्स। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न इज अ डैश, जो बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं, पढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं, टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर। एंड द लास्ट वन इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर पीपल्स टीथ इज अ डैश, जो लोगों के दांतों का ख्याल रखते हैं, उनके कोई भी बीमारी हो, दांतों की दर्द हो, कुछ भी हो, तो वो कौन उसका इलाज करता है, डेंटिस्ट, डी ई एन टी आई एस टी, डेंटिस्ट। नेक्स्ट, एक्टिविटी नंबर 3 है, द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑल इन द स्टोरी, फाइंड देम। कि हम लोगों का ऑपोजिट क्या होते हैं, मुतजाद, उल्ट अल्फाज। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इजी, इजी कहते हैं आसान, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिफिकल्ट, मुश्किल, डी आई डबल एफ आई सी यू एल टी, डिफिकल्ट। नेक्स्ट, नियरेस्ट, नियरेस्ट कहते हैं करीब, तो इसका होगा फर्टेस्ट, एफ यू आर टी एच ई एस टी, दूर। नेक्स्ट, अनकाइंड, जालिम, इसको होगा काइंड, रहम दिल। नेक्स्ट, डिसप्लीज्ड, ना खुश, तो इसका ऑपोजिट होगा प्लीज्ड यानी खुश। नेक्स्ट, अपीयर, जाहिर होना, डिसअपीयर, डी आई एस ए डबल पी ई ए आर ई डी, डिसअपीयर, डिसअपीयर होगा गायब हो जाना। नेक्स्ट है लव्ड, मोहब्बत करना, इसका होगा ऑपोजिट हेटेड, नफरत। नेक्स्ट, लो, लो नीचा या नीचे, हाई ऊपर या ऊंचा। नेक्स्ट, लाइट, लाइट हल्का, हैवी, वजनी। एंड द लास्ट वन इज प्लेजेंट, खुशगवार, अनप्लेजेंट, ना खुशगवार। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।